गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंप्लीट रीडिंग ऑफ लेसन 13। ओके बेटा, नाउ वी विल रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अ लीफ हैज मेनी पार्ट्स। अ लीफ इज अटैच्ड टू ए स्टेम विद अ स्टाक। मींस ये लीफ है बेटा, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और जो ये लीफ होता है, जो ये पत्ता होता है, वो एक स्टेम से यानी तने से जुड़ा होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्टाक। क्या कहते हैं? स्टाक। इट्स ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड। इसके चौड़े और जो फ्लैट पार्ट है उसको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। ये जो इसके चौड़े और फ्लैट है ना, समतल, इनको क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड। ठीक है बेटा। द लीफ ब्लेड हैज मैनी थिन एंड स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड वेन्स। जो ये लीफ ब्लेड है, इनके बहुत सारे पतले और छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? वेन्स। मीन्स शिराएं बोलते हैं, पसलियां भी बोलते हैं, नसें भी बोल सकते हैं इसको, है ना। ये वेन्स की तरह होती हैं हमारी, जैसे हमारी बॉडी में होती हैं। अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड इज कॉल्ड अ मिडरिब। मीन्स लीफ ब्लेड के बीच में एक जो घनी मोटी सी वेन होती है, उसको क्या कहते हैं? मिडरिब। क्या कहते हैं उसको? मिडरिब। जो बीच में ये मोटी सी होती है ना वेन, जो मोटी सी नस होती है, इसको बोलते हैं मिडरिब। ठीक है। वेन्स हेल्प द लीफ डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड फूड। वेन्स का क्या काम होता है बेटा? ये हेल्प करती है पानी को और भोजन को पत्तों में डिस्ट्रीब्यूट करने में, मीन्स बांटने का काम करती है, खाना और पानी बांटने का काम करती है। अ लीफ हैज मैनी टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा इन इट्स लोअर सरफेस। लीफ के जो नीचे का जो सरफेस होता है, पार्ट होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। जो स्टोमेटा होता है, इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नाउ वी विल रीड अबाउट फंक्शंस ऑफ लीव्स। पत्तों के क्या फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे। लीव्स मेक द फूड फॉर द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मीन्स पत्ते पौधों के लिए खाना बनाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? सूरज की रोशनी और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर और मिट्टी से पानी लेकर। मीन्स जो पौधे हैं वो सूरज की रोशनी से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर और मिट्टी से वाटर लेकर पौधों के लिए खाना बनाते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, मीन्स प्रकाश संश्लेषण। सो द लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट। इसलिए पत्ते को पौधे का किचन कहते हैं, पौधे की रसोई कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो लीव्स होते हैं वो हवा में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, गैस छोड़ते हैं। स्टोमेटा ऑन द लीव्स हेल्प द प्लांट ब्रीद बाय टेकिंग इन एंड गिविंग आउट एयर। स्टोमेटा क्या काम करता है बेटा? क्या ये पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों पर ये ऑक्सीजन अंदर लेता है, लेने का और छोड़ने का काम करता है हवा में। मीन्स सांस लेने के लिए ये हवा अंदर और बाहर लेता है। लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, मिंट, कोरिएंडर एंड मस्टर्ड आर ईटन एज फूड। मैनी एनिमल्स लाइक काउ, बफलो, गोट, शीप, जिराफ एक्सेट्रा आल्सो फीड ऑन द लीव्स। पौधे की पत्तियां जैसे बंद गोभी के पत्ते, पालक के पत्ते, मिंट के, कोरिएंडर के, धनिया पुदीना और सरसों के पत्ते एज ए फूड के रूप में खाए जाते हैं। मैनी पीपल लाइक, जैसे गायें, भैंस, बकरी, भेड़, जिराफ, ये सभी पत्ते खाते हैं। ये इनका खाना क्या है, इनका फूड क्या है? वो लीव्स ही हैं। और डिफरेंट टाइप की लीव्स कौन सी होती है बेटा? देखो, लीव्स आर डिफरेंट शेप एंड साइज। लीव्स जो पत्ते होते हैं उनके अलग अलग शेप होती है और अलग अलग साइज होते हैं। लीव्स आर डिफरेंट कलर्स एंड स्मेल्स। और लीव्स के अलग अलग कलर होते हैं और स्मेल भी अलग अलग होती है। यूजेज ऑफ लीव्स। लीव्स हैव मैनी यूजेज इन आवर लाइफ। पत्तों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बहुत उपयोग है। लीव्स आर यूज एज प्लेट्स फॉर ईटिंग फूड। पत्तों का यूज खाना खाने के लिए प्लेट बनाने के रूप में किया जाता है। मीन्स हम पत्तों से प्लेट्स बनाते हैं खाना खाने के लिए। लीव्स ऑफ सम ट्रीज
सच एज नीम आर यूज एज मेडिसन. नीम के पत्ते दवाई बनाने के काम आते हैं. मेहंदी लीव्स आर यूज टू कलर हैंड्स एंड फीट. मेहंदी के पत्ते हाथ और पैरों को रंगने के काम आते हैं, कलर करने के काम आते हैं. मेहंदी लगाते हैं हाथों में जैसे. लीव्स आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पजेज. दे आर टाइड ऑन ए स्ट्रिंग टू डेकोरेट अवर डोर्स डोरवेज. जो पत्ते होते हैं वो सजाने के भी काम आते हैं. हमारे घरों के जो दरवाजे होते हैं उन पर एक धागे के साथ पत्ते बांधकर उनको बांध दिया जाता है, सजा दिया जाता है. ठीक है. लीव्स ऑफ द बीटल प्लांट आर ईटन. जो बीटल प्लांट का लीव्स होता है वो खाया भी जाता है, उसको हम खाते भी हैं. फ्लावर्स. फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर शेप एंड साइज. दे मेक द प्लांट ब्यूटीफुल. जो फूल होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के होते हैं और वो प्लांट को खूबसूरत बनाते हैं. उनसे पौधे जो हैं खूबसूरत लगते हैं फूलों से. डू यू नो वेयर फ्लावर कम फ्रॉम. द बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर्स. क्या तुम्हें पता है कि फूल कहाँ से आते हैं. द बर्ड्स ब्लूम इनटू फ्लावर. जो बर्ड्स होते हैं, जो कलियाँ होती हैं फूलों में चहकती हैं या महकती हैं. ठीक है. यू मस्ट हैव सीन बटरफ्लाइज एंड बीज नियर द फ्लावर्स. आपने फूलों के आसपास तितलियां और मक्खियां जरूर देखी होंगी. दे कम टू द फ्लावर्स टू सक देयर नेक्टर. वे उनके पास शहद या जूस पीने के लिए आते हैं, रस पीने के लिए आते हैं. नेक्टर होता है रस. द बेस ऑफ द फ्लावर्स कंटेन नेक्टर. बेस ऑफ द फ्लावर कंटेन्स नेक्टर. फूलों के बेस में नेक्टर होता है. विद टाइम द फ्लावर्स शेड देयर पेटल्स एंड ग्रो इनटू फ्रूट्स. टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार जो फूल होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और फ्रूट्स उगते हैं, उनमें फल लगते हैं. फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स. मोस्ट फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स कंटेनिंग सीड्स इनसाइड देम. बहुत सारे फूल फलों में बदल जाते हैं. कंटेनिंग सीड्स इनसाइड देम, उनके अंदर बीज होते हैं. फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट्स वेल फ्रॉम द फ्लावर्स. जो फूल फल होते हैं वो फूलों से उगते हैं. मोस्ट फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड देम. ज़्यादातर फलों के अंदर बीज होते हैं. वी ईट फ्रूट्स लाइक मैंगो एप्पल बनाना जामुन पपैया मस्क मेलन एक्सेट्रा. फ्रूट्स आर आल्सो ईटन बाय मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. वी ईट फ्रूट्स. हम खाते हैं जैसे कि कौन से फ्रूट खाते हैं हम. आम सेब केला जामुन पपीता तरबूज. फ्रूट्स आर आल्सो ईटन बाय. और जानवर और पक्षी भी फ्रूट्स को खाते हैं. फ्रूट्स लाइक जामुन मैंगो हैव ओनली वन सीड. जामुन में और मैंगो में आम में केवल एक ही बीज होता है. फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड ऑरेंज हैव फ्यू सीड्स. सेब में और ऑरेंज में कुछ बीज होते हैं. वाइल्ड फ्रूट्स लाइक पपैया एंड मस्क मेलन हैव मैनी सीड. जबकि पपीते में और तरबूज में बहुत सारे बीज होते हैं. वेजिटेबल्स सच एज टोमेटो ब्रिंजल गार्ड एक्सेट्रा आर ऑल्सो फ्रूट्स. कुछ सब्जियाँ भी फल ही होती हैं. कौन कौन सी, जैसे टमाटर है, बैंगन है, घिया है, ये फ्रूट होते हैं. अ सीड ग्रोज इनटू ए बेबी प्लांट व्हेन इट गेट्स इन अ वाटर एयर एंड वार्मथ. जब एक पौधा ज़्यादा मात्रा में पानी हवा और गर्मी लेता है तो जो एक बीज होता है वो एक बेबी प्लांट का रूप धारण कर लेता है या बेबी प्लांट के रूप में बढ़ जाता है. देखो बेटा ये सीड्स हैं. ए मैंगो हैज़ वन सीड. मैंगो आम में केवल एक बीज होता है. एंड एप्पल हैज़ फ्यू सीड्स. सेब में कुछ बीज होते हैं. एंड पपैया हैज़ मैनी सीड्स. और पपीते में बहुत सारे बीज होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द कम्प्लीट रीडिंग ऑफ लेसन 13. नाउ योर होमवर्क इज रीड लेसन 13 एट योर होम. ओके बेटा, थैंक यू.